आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि 2047 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। लेकिन क्या ये एक दिन का काम है? नहीं, ये तो सफर है जो तय करना है अलग अलग पड़ावों के साथ। तो क्या वो अलग अलग पड़ाव इस वक्त हिंदुस्तान में दिख रहे हैं? आंकड़े कहते हैं हाँ, ऐसा दिख रहा है। 10 सालों में जो अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी वो 5वें पर पहुंच चुकी है। और अभी जो कारोबारी सीजन जिसे हम कहते हैं, इसमें चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे कार की खरीदारी हो, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो या फिर दानदारी हो, सब में भारत रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारतीयों के पास पैसा आ रहा है और इसीलिए बाजार में वो खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी बड़ी गाड़ियों की खरीदारी से लेकर आम शॉपिंग में एक हिंदुस्तानी कितना खर्च कर रहा है और कैसे रिकॉर्ड कायम कर रहा है, आपको ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में देखने को अब मिलेगा। नए भारत की तेज रफ्तार, इकोनॉमी की ग्रोथ शानदार, बढ़ गया कार का बाजार, आमदनी हो गई दोगुनी इस बार। त्योहारी सीजन पीक पर है, बाजार में खरीदार उमड़ रहे, अर्थव्यवस्था रफ्तार भर रही है। कारोबार से लेकर कार बाजार, जीएसटी कलेक्शन से लेकर डोनेशन और अनाज उगाने से लेकर एप्पल मोबाइल बनाने तक नया भारत नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 2014 से विकास दर में तेजी का सिलसिला दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरा। देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट दे करके एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई, सरकार बनाई, और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है। दरअसल अर्थव्यवस्था में ये मजबूती परंपरागत क्षेत्रों के अलावा नए नए क्षेत्रों में कारोबार के मौके मिलने से भी आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के सेकेंड एडिशन का उद्घाटन किया। इसमें 80 देशों के 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का FDI आया है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है, 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती का असर सरकार की कमाई पर भी देखने को मिला। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही अक्टूबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा मंथली जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में जीएसटी के जरिए सरकारी खजाने में 1,72,000 करोड़ रुपए जमा हुए। ये बीते साल इस महीने से 13% ज्यादा है। अक्टूबर के इस आंकड़े के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में कलेक्शन का मासिक औसत 1,66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। बीते 7 महीने में 5 बार कुल कलेक्शन 1,60,000 करोड़ रुपए ऊपर पहुंचा। यह अप्रैल 2023 के बाद जीएसटी का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। तब 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जीएसटी कलेक्शन का ये आंकड़ा बता रहा है कि हर सेक्टर में कारोबार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने
इस साल कारोबार के सभी रिकॉर्ड टूट जाने की उम्मीद जताई। सीआईटी के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में देश में 3,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है, जिसमें से अकेले दिल्ली में 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद की जा सकती है। इसमें 13% के साथ खाने पीने के सामान और किराना, 12% कपड़ा, 9% ज्वेलरी, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा लगभग 20% कारोबार ऑटोमोबाइल हार्डवेयर खिलौने वगैरह से आएंगे। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी ग्रोथ देखी गई? ये 5 बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी के आंकड़ों से समझिए। ये आंकड़े पिछले साल के इसी कारोबारी सीजन के हैं। मारुति ने बीते साल इसी महीने में 1,40,337 कारें बेची थी, जबकि इस साल अक्टूबर महीने में 1,68,047 कारें बेची, यानी कि बिक्री में 19.74% का इजाफा हुआ। हुंडई ने बीते साल अक्टूबर में 48,000 कार बेची थी, जो कि इस साल अक्टूबर में बढ़कर 55,128 हो गई। टाटा ने अक्टूबर 2022 में 45,217 कार बेची, जबकि इस साल अक्टूबर में 48,337 कार बिकी, मतलब बिक्री में 6.9% का इजाफा। यही आंकड़े महिंद्रा और किया कंपनी के हैं। अक्टूबर 2022 में महिंद्रा कंपनी की 32,298 कार बिकी, जो इस साल बढ़कर 43,708 हो गई, मतलब इस अक्टूबर को महिंद्रा की कारें 35.33% ज्यादा बिकी। इसी तरह किया कि अक्टूबर 2022 में 23,323 कारें बिकी थी, जो कि इस साल 24,351 कारें बिकी। किया की कारों की बिक्री 4.41% अधिक हुई। जिन कारों की बिक्री की हमने बात की, ये सभी मिडिल क्लास की कंपनी मानी जाती हैं, लेकिन मिडिल क्लास की पसंदीदा कार्स के अलावा लग्जरी कार्स की डिमांड भी काफी तेज हुई है। इसे देखते हुए मर्सिडीज ने बाजार में 2 और मॉडल लॉन्च किए। नई एसयूवी जीएलई, जिसकी कीमत 96,40,000 रुपए से 1,15,00,000 रुपए के बीच है, और एएमजी C43, जिसकी कीमत 98,00,000 रुपए से शुरू होती है। दरअसल लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने इस साल अब तक पिछले साल से 11% ज्यादा कारें बेची। पिछले साल मर्सिडीज ने हिंदुस्तान में कुल 15,822 कारें बेची थी, जबकि इस साल सितंबर महीने तक ही 12,768 मर्सिडीज कार बिक गई। कंपनी का दावा है कि इस साल उसकी कार बिक्री की ग्रोथ 11% ज्यादा होगी। जिस तरह कार्स में मर्सिडीज लग्जरी ब्रांड है, उसी तरह मोबाइल की दुनिया में एप्पल का जलवा है। जाने माने एप्पल विश्लेषक मिंग ची कुओ ने खुलासा किया कि मोबाइल निर्माण के लिए एप्पल अब चीन के बजाय भारत को पसंदीदा देश मानता है। एप्पल पहली बार भारत में आईफोन 17 स्मार्टफोन बनाने जा रहा है। इसे 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि भारत में आईफोन 17 की मेकिंग 2024 में शुरू हो सकती है। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में करदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। आयकर विभाग ने हाल ही में जो डेटा रिलीज किया, इसके मुताबिक भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वाले करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई। 100 करोड़ हर साल, भारत का कमाल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा की कमाई करने वाले अरबपतियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 100% बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021-22 में 16 अरबपतियों की सालाना कमाई 2,569 करोड़ रुपए रही, जिसका औसत 160,57,00,000 रुपए होता है। ये साफ बताता है कि लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही छोटी आमदनी वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते करीब 10 सालों की बात करें तो 5,00,000 रुपए तक आय सीमा में साल 2013-14 के 2,62,00,000 लोगों ने आईटीआर दाखिल किया, जो कि 2021-22 में 3,47,00,000 हो गए, यानी कि 32% की वृद्धि। इसी दौरान 5,00,000 से 10,00,000 रुपए सालाना कमाई करने वालों की संख्या 295% तक बढ़ गई, और 10,00,000 से 25,00,000 रुपए की कुल कमाई करने वालों की तादाद भी 2013-14 की तुलना में 291% बढ़ी। इसको और थोड़ा विस्तार में जाकर देखें तो 2013-14 में जिन आयकरदाताओं ने अपनी सालाना कमाई 4,50,000 रुपए दिखाई थी, उनकी कमाई 2021-22 में बढ़कर 7,00,000 रुपए सालाना हो गई। कुल मिलाकर देखें तो टॉप के 1% व्यक्तिगत करदाताओं के लिए औसत आमदनी में इस दौरान 42% की बढ़ोतरी हुई, जबकि निचले 25% व्यक्तिगत करदाताओं की 58% बढ़ गई। इसके साथ ही आईटीआर फाइल करने वाले भी पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़े। जैसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,47,88,494 लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, जिनकी संख्या 2020-21 से बढ़कर
6,72,06,388 हो गई। इसी तरह 2021-22 में तादाद 6,94,37,383 थी, जो कि बीते वित्तीय वर्ष में 7,40,09,046 हो गई। अगर बीते 10 सालों की बात करें तो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में करीब 90% का इजाफा हो चुका है, जिसमें से 53,00,000 नए लोगों ने रिटर्न फाइल किया। वित्तीय वर्ष 2022 में 6,75,00,000 लोगों ने ITR भरा है, जिनकी कलेक्टिव ग्रॉस इनकम 69,60,000 करोड़ रुपए है। भारत के ग्रोथ स्टोरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए सुधारों और कारोबार करना आसान करने की कोशिशों का नतीजा है। दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसीज भारत के इस ग्रोथ स्टोरी की गवाही दे रही हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि सदी भारत की होने वाली है।